हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड चैप्टर ऑफ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस SP एंड द नेम ऑफ द चैप्टर ऑफ इज इशू ऑफ शेयर्स। ओके, सो हम लोग ने लास्ट चैप्टर में चैप्टर टू में वी विटनेस व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट द कंपनी कैन यूज टू रेज द कैपिटल। कहाँ कहाँ से डिफरेंट सोर्सेज से कंपनी के पास पैसा आता है, व्हाट इज ओन फंड एंड व्हाट इज बोरोड फंड। ओन फंड में कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बोरोड फंड में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओन फंड्स आर मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, वहीं पे व्हाट आर द बोरोड फंड्स, फॉर एग्जाम्पल डेबेंचर्स, बॉन्ड्स। ओके, हम लोग ने ऐसा सब कुछ सीखा था। ओके, सो इन दिस चैप्टर, अब ये चैप्टर में हम लोग कैसे करने वाले हैं, हम लोग ने पिछले चैप्टर में तो देखा था जो ओन फंड है उसमें इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू करती है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द इशू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, कंपनी को अगर कैपिटल की ज़रूरत है तो वो डिफरेंट शेयर्स इशू कैसे करती है, ओन कैपिटल को रेज कैसे करती है। ओके, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न वेरियस डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू शेयर्स। ओके, सो द जो सबसे पहला टॉपिक 3.1 है इस चैप्टर का, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, वो इस साल के बोर्ड में कैंसिल कर दिया गया है। ओके, एंड सिंस इट इज़ कैंसल इन द बोर्ड, मैं इस वक्त तो आप लोगों को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट व्हेन वी विल मीट इन एक्चुअल क्लासरूम, जब हम लोग फेस टू फेस एक दूसरे से बात करेंगे तो उस वक्त मैं एक्सप्लेन करूँगा ये क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल है क्या, पर इस वक्त इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाले। ओके, सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, दैट इज टॉपिक 3.2, इशू ऑफ शेयर्स। व्हाट इज इशू ऑफ शेयर, वेन एवर अ कंपनी इज इन नीड ऑफ अ कैपिटल, वेन एवर कंपनी वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और वॉन्ट्स टू एक्सपांड इट्स बिजनेस, यू वॉन्ट्स टू डाइवर्सिफाई इन टू सम न्यू मार्केट और टू न्यू वेंचर। ठीक है ना, या तो कंपनी को अपने जो भी पिछले लोन है उसको वापस रीपे करने का है, तो कंपनी के पास होना चाहिए कैपिटल, कंपनी के हाथ में होना चाहिए पैसा। बट कंपनी इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ टेकिंग मोर लोन्स फ्रॉम द बैंकिंग और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी को और लोन नहीं लेना है और कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं चढ़ाने का है। तो कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है चलो ना मैं शेयर्स इशू करूंगा और उसके जरिए मुझे हाथ में कैपिटल आएगा। ओके, सो देयर आर, दैट्स व्हाई शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी। ओके, एंड हम लोग ने तो ये तो पढ़ा है देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स। अभी हम लोग ने लास्ट चैप्टर में इसके मीनिंग क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स होते क्या, इसके बारे में भी पढ़ा था। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट्स आर मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द डिफरेंट मैथड्स, किस किस लोगों को किस किस तरीके से शेयर्स इशू करती है कंपनी, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट इज़ पब्लिक ऑफर, फर्स्ट इज़ पब्लिक इशू, तो ये नाम से ही हम लोग समझ जाते हैं, नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं, द शेयर्स विच इज़ इशूड बाय द कंपनी इज ऑफर टू द जनरल पब्लिक इन द कंट्री और इन द एरिया। ठीक है ना, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मैथड, जो भी कंपनी, अगर कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं तो सबसे जनरल ऑफर यही पब्लिक ऑफर ही वो करती है, सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है ना, नॉर्मली उन लोग पब्लिक इशू ही करते हैं और ये नॉर्मल पब्लिक को देती है, कोई भी नॉर्मल पब्लिक जिसको कंपनी के शेयर खरीदने वो आके अपना पैसा इन्वेस्ट करके शेयर खरीद सकता है। सो कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक, दैट इज जनरल पब्लिक, कॉमन सिटीजन टू सब्सक्राइब फॉर इज शेयर्स बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस। तो जब भी कंपनी को अपने शेयर्स मार्केट में बेचने रहते हैं तो वो प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रॉस्पेक्टस मीन्स एक छोटा सा पेज, छोटा सा इंस्ट्रक्शन रहता है, छोटा सा इंस्ट्रक्शन रहता है कंपनी की तरफ से, जिसपे कितने शेयर्स, कितने प्राइस पर कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने तारीख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से तारीख से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे बिक रहा है ये शेयर्स, कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस पे बिक रहा है, ये सब इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं प्रॉस्पेक्टस पर। ओके, सो कंपनी कैन ऑफर इट्स शेयर्स टू पब्लिक बाय यूजिंग टू प्राइसिंग मेथड। ठीक है ना, दो मेथड से कंपनी पब्लिक को देख सकते हैं, फर्स्ट इज फिक्स्ड प्राइस मेथड। ठीक है ना, अब ये फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड होता क्या, सो इन दिस फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड कंपनी जब भी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है उस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी मेंशन करती है कि वो कितना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स कितने प्राइस पे ऑफर कर रहा है पब्लिक को बेचने के लिए। ओके, तो उसकी वजह से उन लोग क्या बोलते हैं, जो भी कॉमन पब्लिक इंटरेस्टेड है उस शेयर खरीदने को, वो बोलती है, कंपनी बोलती है कि सर्टेन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू, जितने फेस वैल्यू पर भी मैं इस शेयर को बेच रहा हूँ मार्केट में, उसका कुछ हिस्सा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 25% तो मुझे अभी पे करो। ठीक है ना, अगर तुम लोग इंटरेस्ट हो इस शेयर, इस कंपनी का शेयर खरीदने को, तो इस शेयर का फेस वैल्यू का सर्टेन पोर्शन, फॉर एग्जांपल 25% तुम लोग मुझे अभी पे कर दो। ओके, तो इस ये क्यों करती है कंपनी, कंपनी को इससे ही पता चलता है कि इस कंपनी के शेयर का डिमांड मार्केट में कितना है, अगर ज़्यादा डिमांड रहेगा तो कंपनी उस शेयर को आगे जाके प्रीमियम में बेचेगी, प्रीमियम मतलब और महंगा करके बेचेगी, और अगर सस्ता है, अगर डिमांड उसका इतना मार्केट में ज़्यादा नहीं है तो एट पार मतलब नॉर्मल प्राइस पे ही उसको बेचेगी। ठीक है ना, तो इसके लिए कंपनी फिक्स प्राइस इशू मेथड पे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओनली सर्टेन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू मांग लेती है।
सो फिक्स प्राइस मेथड इज़ यूजुअली यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इशू। जब भी कंपनी कोई भी शेयर इशू करना चाहती है तो नॉर्मली उन लोग फिक्स प्राइस इशू मेथड से ही इशू करते हैं अपने शेयर, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक इशू, राइट्स इशू, ओके एक्सेट्रा। सो द नेक्स्ट मैथड इज बुक बिल्डिंग मैथड। इस मैथड के अंदर क्या होता है, इस मैथड के अंदर द इशूअर कंपनी, जो कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहती है मार्केट में, वो नंबर ऑफ शेयर्स जितना बेचना चाहती है मार्केट पे एंड द प्राइस, ठीक है ना, मार्केट में जितना नंबर शेयर्स वो बेचना चाहती है वो तो डिक्लेयर कर देती है, लेकिन प्राइस डिक्लेयर नहीं करती है। वो प्राइस कैसे डिसाइड होता है, बाय द बिडिंग प्रोसेस। व्हाट इज बिडिंग प्रोसेस, जब हम लोग ने ऑक्शन देखा रहेगा, नीलामी जब होती है तो लोग बोली लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना, लोग अपना वैल्यू डिसाइड करते हैं, तो उसको कहते हैं बिडिंग प्रोसेस। ओके, सो कंपनी एट द टाइम ऑफ बुक बिल्डिंग मैथड वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, ठीक है ना, जो प्रोस्पेक्टस बुक बिल्डिंग मैथड में यूज होता है उसको कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इसमें बहुत डिफरेंट रेंज कंपनी डिसाइड करती है। जब भी ये प्रोस्पेक्टस इशू करता है तो कंपनी बोलती है हम लोग एक प्राइस रेंज, एक प्राइस बैंड आपको दे देते हैं, उसके अंदर ही आप लोग बिल्डिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी जब भी अपने मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो वो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये का प्राइस बैंड दे देती है, प्राइस भी देती है, मतलब कंपनी बोलती है 100 रुपये से 200 रुपये तक आप अपना बोली लगाना चालू करो, जो भी एवरेज निकलेगा उस बोली का वो ही फाइनल प्राइस होगा उस शेयर का। ओके, सो ऐसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में एक प्राइस रेंज दे देती है इन्वेस्टर्स लोग को बिल्ड करने के लिए, बोली लगाने के लिए। जो भी लोअर बिल्ड रहता है, जो भी लोअर एंड रहता है इस बिल्ड का, उसको कहते हैं फ्लोर प्राइस, वाइल द हाईएस्ट एंड इज कॉल्ड एज द कैप प्राइस, ठीक है ना, और द सीलिंग प्राइस। और जो भी फाइनल प्राइस डिसाइड होता है इस शेयर के ऊपर, ये एवरेज के ऊपर से डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल ऐसा ज़रूरी नहीं जो ही सबसे ज़्यादा बिड लगाया रहे उसी का प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है ना, जो एवरेज निकालता है कंपनी एवरेज डिसाइड करती है, एंड वॉट एवर द फाइनल प्राइस इज सिलेक्टेड बाय द कंपनी उसको कहते हैं कट ऑफ प्राइस, ठीक है ना। तो इन्वेस्टर्स कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स पे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने की ट्राई कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं। ओके, जितने भी शेयर्स उनको चाहिए उन लोग उतने शेयर्स के ऊपर बिड कर सकते हैं, और कोई भी उस प्राइस रेंज के बीच में किसी भी प्राइस के ऊपर। ओके, ये बिडिंग प्रोसेस जो रहता है इट इज़ ओपन फॉर 5 डेज, 5 दिन के अंदर तुम लोग कितने नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर कोई भी प्राइस रेंज के बीच में बिल्ड कर सकते हो। एंड द बिल्ड जब तुम लोग करोगे तो एप्लीकेशन मनी जो होता है, जो कंपनी बोलते हैं स्टार्टिंग में कुछ परसेंट ऑफ द फेस वैल्यू मुझे पे करना, तो ये जो एप्लीकेशन मनी रहता है उसको हम लोग को पे करना रहता है लीड मर्चेंट बैंकर्स के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं बुक रनर्स, हु एंटर्स इन द बिड्स इन द बुक, ठीक है ना। नाउ हु आर दिस लीड मर्चेंट बैंकर्स, ठीक है ना, तो कंपनी जो भी शेयर्स इशू करती है वो खुद इशू नहीं करती है। ओके, अगर रिलायंस कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने, तो रिलायंस कंपनी मार्केट में एडवर्टाइजमेंट नहीं देती कि रिलायंस कंपनी का शेयर इशू होने वाला है, रिलायंस कंपनी एक दूसरी कंपनी को बोलती है कि मेरे बदले तुम लोग शेयर्स इशू करो, तुम लोग एडवर्टाइजमेंट करो रिलायंस कंपनी का। ओके, जनरली ये कोई भी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी ही होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं लीड मर्चेंट बैंकर्स। ओके, सो आफ्टर बिल्डिंग इज ओपन, मतलब 5 दिन हो गए, लोगों ने बिल्ड कर लिया शेयर्स कितने खरीदने के उनको उनके प्राइस रेंज के हिसाब से, तो कंपनी डिसाइड करता है कट ऑफ प्राइस, मतलब कितने पे उनको शेयर्स बेचना है, और वो डिपेंड रहता है बेस्ड ऑन द बेस्ट प्राइस, मतलब उसका एवरेज निकालते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं जितना हाइएस्ट होता है, बेस्ट प्राइस ऑफ द शेयर्स पे उन लोग ऑफर देते हैं और उनको बेच देते हैं। ओके, सो कंपनी इशूज अ प्रॉस्पेक्टस विच कंटेन्स द फाइनल प्राइस। ओके, बुक बिल्डिंग मेथड इज़ यूज फॉर पब्लिक इशू सच एज IPO एंड FPO। अभी IPO और FPO क्या होता है, जो पब्लिक ऑफर देती है कंपनी वो क्या होता है उसको हम लोग देखने वाले आगे। सो व्हाट इज़ IPO एंड व्हाट इज़ FPO। तो IPO क्या होता है, जब भी कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर्स बेचती है, ओके, इट इज़ कॉल्ड एज द IPO। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर अ कंपनी इज ऑफरिंग इट्स शेयर्स टू द पब्लिक, उसको कहते हैं IPO। ज़रूरी नहीं है जो न्यू कंपनी हो उन लोग ही IPO करते हैं, एग्जिस्टिंग कंपनी, बहुत टाइम से कंपनी लेकिन उसको कभी कैपिटल, इतने कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो शेयर्स अपने मार्केट में बेच रहे थे, ठीक है ना, लेकिन आज उस कंपनी को ज़रूरत है कि ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, इसके लिए वो अपने शेयर्स मार्केट में बेच रहे, तो वो भी IPO ही करेगी, ठीक है ना। तो अ न्यू कंपनी और एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच वॉन्ट्स टू रेज इट्स कैपिटल अर्लियर फ्रॉम प्रोमोटर्स और अदर इन्वेस्टर में ऑफर इट शेयर्स टू द पब्लिक इन द नीड ऑफ फ्रेश फंड्स। ओके, द कंपनी जब भी पहली बार अपने कंपनी ऑफर देती है अपने शेयर्स को पब्लिक को, उसको कहते हैं IPO। सो IPO के पहले कंपनी कभी भी लिस्टेड कंपनी नहीं रहती, मतलब वो अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करवाती स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है ना। तो जब वो लिस्टेड नहीं रहती है तो उसके सभी शेयर्स प्राइवेटली हेल्ड रहते हैं, मतलब जो भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रमोटर्स रहते हैं उन लोग के पास ही उस कंपनी के शेयर्स रहते हैं, ठीक है ना। बट वंस अ कंपनी इज लिस्टेड कंपनी, एक बार अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेती है, तो द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन एन ओपन मार्केट, मतलब कोई भी जनरल पब्लिक जाके उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं वंस अ कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है ना।
A company can make IPO through fixed price issue method or book building method. Now what is FPO or further public offer? So जब भी कंपनी IPO के बाद अपने शेयर्स को मार्केट में बेचती है, कभी भी IPO होने के बाद जब भी कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स बेचती है उसको कहते हैं FPO और फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है ना? तो इतना ही था बस. FPO leads to an increase in the subscribed capital of the company. तो जब भी अपने कंपनी को शेयर्स बेचना है IPO होने के बाद, पहली बार बेचने के बाद जब दूसरी तीसरी बार कंपनी जो मार्केट में अपने शेयर्स बेचती है उसको कहते हैं FPO. ओके, सो द नेक्स्ट मेथड इज अबाउट ऑफरिंग द शेयर्स ऑफ अ कंपनी टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर को कब कंपनी शेयर्स देती है? तो फर्स्ट इज राइट्स इशू. तो हम लोग ने इसका थोड़ा सा आइडिया पिछले चैप्टर्स में भी देखा था, व्हाट इज राइट इशू, हम लोग वापस डिस्कस करते हैं. सो व्हेनेवर अ कंपनी इज इन द नीड ऑफ अ फंड, व्हेनेवर कंपनी हैज डिसाइडेड कि उसको और कैपिटल रेज करना है बाय द वे ऑफ सेलिंग इक्विटी शेयर्स इन द मार्केट, तो सबसे पहला ऑफर कंपल्सरी है, सबसे पहला ऑफर उसको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देना पड़ता है इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग. ओके, सो दिस इशू ऑफ शेयर्स विच इज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इसको कहते हैं हम लोग राइट्स इशू ऑफ शेयर्स. सो व्हेनेवर कंपनी मेक्स फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, सबसे पहला ऑफर उनको एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है, वो भी प्रीएम्प्टिव राइट्स पे. प्रीएम्प्टिव राइट्स मतलब उनके पास ही पहला ऑप्शन रहता है खरीदने का. जब उनको पहला ऑफर दे रहे हैं हम लोग खरीदने का, तो पहला ऑप्शन भी तो उन्हीं के पास रहेगा परचेस करने का. ओके, सो कंपनी कैन मेक अ राइट इशू व्हेन इट इज़ मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट में भी कंपनी राइट्स इशू करवा सकती है. सो व्हाट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट, ये तो हम लोग आगे चैप्टर में देखने ही वाले हैं. ओके, सो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी है जिसको फुलफिल करना रहता है कंपनी को व्हेन एवर अ कंपनी इज इशूइंग राइट्स शेयर्स. ओके, फर्स्ट इज कभी भी कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर राइट शेयर्स बेच रही है, इट शुड बी एट अ प्राइस विच इज लेसर देन मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस से कम भाव में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर्स बेचना रहता है कंपनी को. सो कंपनी को सबसे पहले अगर कंपनी को आगे और भी शेयर्स इशू करने हैं मार्केट में, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेचना रहता है मार्केट में. ओके, सो कंपनी हैज़ टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ राइट शेयर्स. ओके, थर्ड पॉइंट इज अबाउट वो लेटर में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए. तो सबसे पहले कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स उन लोग ऑफर कर रहे हैं, कितने पीरियड के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए, 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इन 15 से 30 दिन के बीच का ऑफर देना चाहिए उनको सोच समझ के खरीदने के लिए. ओके, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इज राइट टू रेनाउंस है, ठीक है ना? ये लेटर में उनके पास राइट टू रेनाउंस रहता है, मतलब अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोलता है नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है और शेयर्स खरीदने में इस कंपनी में, लेकिन मेरे बदले तुम ये शेयर्स इस पर्टिकुलर आदमी को दे दो, तो कंपनी को उस आदमी को देना पड़ता है उस शेयर्स को, मतलब बेचना पड़ता है उनके, उसके बदले उसको पैसा भी मिलता है. ओके, तो ऐसा होता है राइट टू रेनाउंस. रेनाउंस मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उस आदमी को दे दो, उस आदमी को बेच दो ये शेयर. तो ये था राइट टू रेनाउंस. ये चीज़ इस लेटर ऑफ ऑफर में रहता ही है. अरे लेटर ऑफ ऑफर कैसे भेज सकते हैं, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तक. सो द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ओके, कुरियर, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब ईमेल करके. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इफ़ द शेयर होल्डर, इफ़ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंपनी को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेटर ऑफ ऑफर मिलने के बाद भी कंपनी को कुछ रिप्लाई, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब 15 दिन के अंदर कुछ बताता नहीं है कि अगर वो इंटरेस्ट है कि नहीं का इंटरेस्ट है, तो कंपनी कैन अंडरस्टैंड कि उस पर्सन को कंपनी के शेयर्स को खरीदने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो आगे कोई भी आदमी को बेच सकते हैं, ठीक है ना? सो वेन एवर अ कंपनी इज इशूइंग राइट शेयर्स, तो कम से कम 90% ऑफ द शेयर्स जितने भी वो इशू कर रहे हैं उनके उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए. सब्सक्रिप्शन मतलब जितने भी शेयर, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी इज सेलिंग 100 शेयर्स इन द मार्केट, ठीक है ना, 100 शेयर्स कंपनी मार्केट में बेच रही है, तो कम से कम 90% शेयर्स बिक जाने चाहिए, ठीक है ना, मार्केट में. कम से कम मिनिमम 90% ऑफ इस शेयर शुड बी सब्सक्राइब, ठीक है ना, राइट शेयर्स में. अगर वो नहीं हुआ तो अगर कितने भी बाकी के और कितने भी जो भी सब्सक्रिप्शन मिले उनके पैसे कंपनी को वापस देने पड़ते हैं. ओके, ऐसा ही रूल है. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द बोनस और इशू शेयर. व्हाट इज बोनस शेयर? बोनस शेयर इज अ फुल्ली पेड इशू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है ना. व्हेन एवर अ कंपनी इज अर्निंग मोर प्रॉफिट, अ कंपनी इज हैविंग एम्पल ऑफ रिजर्व्स, ठीक है ना, तो कंपनी खुशी से अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स इशू करते हैं, उस शेयर्स को कहते हैं बोनस इशू. दिस आर एक्चुअली फुल्ली पेड बोनस शेयर, ठीक है ना. इस शेयर्स के सारे खर्चे कंपनी उठाती है, ठीक है ना. सो हेंस
एज द प्रॉफिट एंड रिजर्व आर कैपिटलाइज, मतलब प्रॉफिट्स और खर्चे सारे इस शेयर्स के सारे खर्चे तो कंपनी उठाती है, तो जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व इस खर्चे में इस शेयर्स इशू करने में खर्चा हुआ रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व। अभी इसके भी कुछ प्रोविजन्स हैं, ठीक है ना। तो प्रोविजन रिलेटेड टू बोनस इशू है, कंपनी जो भी खर्चे उठाएगी वो इन तीन ही चीज़ों में से उठाएगी। फर्स्ट इज़ फ्री रिजर्व्स, कंपनी के जो भी रिजर्व्स, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसमें से ही बोनस शेयर्स के खर्चे उठा सकती है। सेकेंड इज़ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बहुत ही सिक्योर। अगर कंपनी ने पहले कभी भी कुछ शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पे, तो उस प्रीमियम के पैसे एक अलग अकाउंट में रखने रहते हैं, उसको अकाउंट को कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इस अकाउंट में जो भी पैसे जमा है सिक्योरिटी प्रीमियम्स के नाम पे, उस पैसे को कंपनी यूज़ कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ बोनस इशू। एंड नेक्स्ट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सो व्हेन अ कंपनी ट्रांसफर इट्स प्रॉफिट दैट टू बी यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, अगर कंपनी का जो भी प्रॉफिट है कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज़ करने के लिए कोई सेपरेट अकाउंट में रखते हैं, उस अकाउंट का नाम रहता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो इन्हीं तीन जगहों से बोनस इशू के लिए कंपनी पैसे दे सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर फ्रॉम रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। जब कभी कंपनी के असेट्स का पैसे वैल्यू चेंज होने की वजह से जो भी कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है उसमें से कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी डिविडेंड के बदले बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। कंपनी ये नहीं बोल सकती चलो इस साल मैं डिविडेंड नहीं दूंगा लेकिन बोनस शेयर दे दूंगा, नो, कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। कंपनी को डिविडेंड तो देना ही पड़ता है। वंस द कंपनी हैज़ अनाउंस दैट बोनस शेयर इज गोइंग टू बी इशूड, तो उससे उन लोग पीछे नहीं आ सकते। अगर कंपनी ने अनाउंस किया है तो बोनस शेयर तो इशू करने ही पड़ेंगे। एंड बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, उस पर कोई भी खर्चा शेयर होल्डर्स को उठाने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस, जैसा राइट शेयर्स में रहता है शेयर होल्डर ये रिनाउंस नहीं कर सकते, कोई और आदमी को नहीं दे सकते, अपने पास ही रखना रहता है। एंड देर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड, जैसे कि राइट शेयर्स में कम से कम 90% ऑफ द शेयर्स आर नीडेड टू बी सब्सक्राइब, वैसा कोई जरूरत नहीं है बोनस शेयर्स में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द ऑफरिंग ऑफ इज शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ को भी कभी कभी कंपनी शेयर्स इशू करते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड, ठीक है ना। सो फर्स्ट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और ESOS, ESOS। सो अंडर दिस स्कीम जो भी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं, डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी रहते हैं, उनको कंपनी बेनिफिट देती है, उनको कंपनी कोई राइट्स देती है टू परचेज द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना। और वो इक्विटी शेयर्स फ्यूचर डेट को तुम खरीदना, कोई भी एक फ्यूचर डेट हम लोग डिसाइड करेंगे, उस फ्यूचर डेट को आज के ही प्राइस पे एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, आज ही हम लोग उस प्राइस को डिसाइड कर लेते हैं, ओके, कि कितने में तुम उस फ्यूचर डेट को खरीदोगे। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस द एम्प्लॉयज फील प्राउड टू बी वर्किंग विद दिस कंपनी और टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, तो उसकी वजह से उन लोग और फोर्स से कंपनी में काम करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंपनी इज एबल टू रिटेन इट्स गुड एम्प्लॉयज, ठीक है ना। कंपनी के पास अच्छे एम्प्लॉयज़ हमेशा के लिए रह जाते हैं जब भी कंपनी ऐसे कुछ ऑप्शन और ऐसे कुछ स्कीम अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। सो व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर दिस इशू ऑफ ESOS। सो फर्स्ट इज जो भी कंपनी शेयर्स देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, या तो वो डायरेक्टली दे सकती है या तो थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, एक ट्रस्ट होता है फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर इन अ कंपनी, तो उसके थ्रू भी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दे सकती हैं। सेकेंड इज व्हाट एवर शेयर्स इज ऑफर टू अ एम्प्लॉय इट शुड बी प्राइस लेसर देन द मार्केट वैल्यू। ओके, थर्ड पॉइंट इज मिनिमम वेस्टिंग पीरियड शुड बी ऑफ 1 ईयर। व्हाट इज वेस्टिंग पीरियड, मतलब एक साल का टाइम देती है कंपनी की, कम से कम एक साल के अंदर ये शेयर्स को खरीद लो, एक साल से ज़्यादा का भी टाइम दे सकती है, ठीक है ना। मिनिमम वेस्टिंग पीरियड इज 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा का भी टाइम दे सकती है कि हाँ एक साल से ज़्यादा टाइम में भी तुम खरीद सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या होता है, अभी कंपनी जब भी ESOS इशू करती है तो लॉक इन पीरियड उस पर लगा के देती है, मतलब एक साल तक, कम से कम एक साल तक इस शेयर्स को एम्प्लॉय बेच नहीं सकते हैं, एक साल के बाद बेच सकते हैं कम से कम मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट इज इस जो भी शेयर ESOS के थ्रू कंपनी इशू करती है उस पर ना ही कुछ डिविडेंड मिलता है, ना ही उस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स रहता है मीटिंग में, कंपनी के मीटिंग में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी को जब भी ESOS इशू करना है, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम इशू करना है, तो उनको शेयर होल्डर से, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ऑफ अ कंपनी, उनसे उन लोग को पहले परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब वो जो भी मीटिंग में आए हैं उनका 2/3 ऑफ द मेजोरिटी हाँ बोलना चाहिए, तभी वो ऐसा काम हो सकता है।
ओके सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी एम्प्लॉय जिसके भी पास ऐसा एशोस के शेयर्स हैं दे कैन नॉट प्लेज और मॉर्गेज दिस शेयर, मतलब उन लोग गिरवी रख के अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो नहीं ले सकते हैं, तो उन लोग मॉर्गेज या प्लेज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी हैज़ टू सेटअप अ कंपेंसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर एशोस, एक कमिटी सेटअप करनी रहती है कि कैसे एशोस को इशू किया जाएगा, कैसे वो कंपनी कंपनसेट करेगी, ठीक है ना। सो कंपनी हैज़ टू फुलफिल सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सेबी दैट इज शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014। ओके नेक्स्ट इज अबाउट द एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ये क्या होता है। तो अंडर दिस स्कीम कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को एट अ डिस्काउंट प्राइस पे शेयर्स ऑफर करती है, वो भी उनको कहती है कि तुम ये शेयर्स को फ्यूचर में खरीदना चाहिए, तो आज मत खरीदो, हम आपको कुछ समय देते सोचो, ठीक है ना, और जब पैसे आए तो तुम फ्यूचर में खरीदना डिस्काउंट प्राइस पे। एंड वॉट एवर द अमाउंट द कंपनी हैज़ डिसाइडेड, डिस्काउंट करने के बाद जो भी अमाउंट कंपनी फाइनल उस फाइनल प्राइस पे डिसाइड करती है उस शेयर्स के ऊपर, द कंपनी वो अमाउंट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय से डिडक्ट करती रहती है, ठीक है ना। दैट सर्टन अमाउंट ऑफ द शेयर प्राइस इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज टूवर्ड द पेमेंट ऑफ द शेयर्स। तो अब इसके भी कुछ प्रोविजंस है। फर्स्ट इज जो भी नंबर कंपनी शेयर्स के लिए इशू करने वाली है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। अगर सीनियर लेवल का एम्प्लॉय है तो उसके लिए ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स देती है, अगर थोड़ा लोअर लेवल का एम्प्लॉय है तो उसके लिए छोटे नंबर ऑफ़ शेयर्स के कैटेगरी में रहती है। ओके नेक्स्ट इज वॉट एवर शेयर द कंपनी इज इशूइंग थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम और ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड, तुरंत उसको नोट करना चाहिए, तुरंत उसको लिस्ट करना चाहिए, रजिस्टर्ड करना चाहिए कि हम लोग ने ये शेयर इशू कर दिया थ्रू ESPS। नेक्स्ट इज इस पे भी इस शेयर के ऊपर भी लॉक इन पीरियड रहता है दैट इज मिनिमम 1 ईयर, मतलब एक साल तक ये शेयर परचेस करने के बाद बेच नहीं सकते हैं। एंड कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014। तो सेबी के कुछ रूल्स है उसको फुलफिल करना ज़रूरी है बाय द कंपनी। एंड अगर कंपनी को ESPS से शेयर्स इशू करने के तो सबसे पहले जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी उनका स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग में लेना चाहिए। ओके व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन, जो भी वो मीटिंग में आए एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी हाँ बोलनी चाहिए, तभी कंपनी ESPS में शेयर्स इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम और SARS। सो अंडर दिस प्रोविजन एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी उनको एक राइट्स दिया जाता है कि तुम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स आज ही खरीद लो, ठीक है ना, आज ही मतलब फ्यूचर डेट पे खरीद लेना, और उसमें उस शेयर्स का जब भी प्राइस बढ़ेगा, जब भी उस प्राइस वो प्रॉफिट में जाएगा वो शेयर, तो उस पर जो भी एप्रिसिएशन रहेगा वो हम आपको दे देंगे, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ को मिल जाएगा उस शेयर्स का जितना भी प्रॉफिट रहेगा वो एम्प्लॉयज़ को कंपनी दे देगी। शेयर्स तुम खरीद लो कंपनी के, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी को पैसे की ज़रूरत तो आ जाए, तो तुम उस शेयर्स को खरीद लो और जो भी वो प्रॉफिट होगा वो तुम रख लेना। सो कंपनी अलॉट्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, ठीक है ना, और उसका वैल्यू जो रहता है कंपनी के शेयर्स के इक्वल ही रहता है, जो कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है उसी शेयर से कंपनी इशू करती है। एंड ऑन द रेलिवेंट डेट, कंपनी बोलती है ना फ्यूचर डेट पे तुम खरीद लेना ये शेयर को, सो ऑन द रेलिवेंट डेट दैट इज फ्यूचर डेट डिपेंडिंग अपॉन द एप्रिसिएशन, मतलब कंपनी के शेयर्स ने कितना प्रॉफिट कमाया है उसके डिपेंड करके जो एम्प्लॉय को उसका एप्रिसिएशन वैल्यू या तो कैश में या तो इक्विटी शेयर्स के मोड से उनको पे कर दिया जाता है। तो SARS एक तरह का बोनस कंपेंसेशन है एम्प्लॉय को, ठीक है ना, एक तरह से एम्प्लॉयज़ लोग को बोनस मिलता है अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर कंपनी का मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स बढ़ते जा रहा है तो कंपनी को उस एम्प्लॉय को बोनस भी ज़्यादा मिलेगा। सो एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर बाइंग दिस शेयर्स, क्योंकि कंपनी तो खुद बोल रही है कि तुम खरीद लो और जो भी एप्रिसिएशन होगा वो हम लोग आपको बाद में पे कर देंगे। तो इनडायरेक्टली कंपनी द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी डज नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर बाइंग दिस शेयर्स। कंपनी हैज़ टू गिव एम्प्लॉयज अ वेस्टिंग पीरियड मतलब उनको सोचने समझने और खरीदने का कुछ टाइम देना चाहिए कंपनी को, कम से कम 1 साल, मिनिमम 1 ईयर, उससे ज़्यादा कभी देना है तो दे सकते हैं। एंड देर इज़ नो लॉक इन पीरियड, जैसे कि हम लोग ने ESPS और उसके पहले इसमें देखा था एम्प्लॉय ESOS में कि उनके लॉक इन पीरियड रहता है, लेकिन इस पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। एंड टू इशू SARS कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन, जो कि बाकी सब में भी हम लोग ने देखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स इज नॉर्मली इशूड टू द डायरेक्टर्स और द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना, वो भी डिस्काउंट पे, एंड वो भी
फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश पे ये इस शेयर्स को नहीं बेच सकते, अदर देन कैश पे कुछ भी बेचना रहता है। और ये भी क्यों इशू करते, इफ़ एनी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी ने कुछ अच्छा काम किया है कंपनी के वजह से, कंपनी के अंदर जिसकी वजह से कंपनी को मार्केट में फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना, तो उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ दैट एम्प्लॉय कंपनी उसको शेयर्स देती है, ठीक है ना। तो उस शेयर्स का नाम दिया रहता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके, सो सेट स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक पारी पासू विथ अदर इक्विटी शेयर्स। तो मीनिंग ऑफ द वर्ड पारी पासू इज इक्वली, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स और कंपनी के जो भी अदर इक्विटी शेयर्स है उसमें कुछ भी डिफरेंसेस नहीं रहते, दोनों सेम ही रहते, जो जो दोनों शेयर्स के राइट्स भी सेम रहते हैं, दोनों शेयर्स को अप्रिसिएशन भी सेम ही मिलता है। सो दिस शेयर्स, दिस मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर्स दिया रहता है तो 3 साल तक इस शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता है। एंड कंपनी टू इशू अ स्वेट इक्विटी शेयर्स हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड दैट टू ऑल्सो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो ये था अबाउट द इशूइंग ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द प्राइवेट प्लेसमेंट। वॉट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? सो वेन एवर अ कंपनी डिसाइड्स टू इशू इज सिक्योरिटी, टू ऑफर इज सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डेट टू नॉट एक्सीडिंग 200, उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, कंपनी जो भी जान पहचान वाले लोग हैं उनको ही अपनी सिक्योरिटीज बेचना चाहते हैं तो उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। सो देर आर सर्टन पॉइंट्स गिवेन। फर्स्ट इज़ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं कि किन लोगों को ये हम लोग ऑफर देंगे अब हमारे सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए, ठीक है ना। दे कैन बी म्यूचुअल फंड, दे कैन बी अदर इन्वेस्टर्स, जो भी कंपनी को अच्छे से जानते हैं, जिनके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे से जानते हैं, वही लोग हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपनी जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट देता है तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर देना पड़ता है अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन लेटर, ठीक है ना। एप्लीकेशन जब भी सिक्योरिटी इशू करते हैं तो एप्लीकेशन तो देना ही पड़ता है, उसी एप्लीकेशन के साथ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर भी देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द शेयर्स जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट में बेचे जाते हैं उनका कंसिडरेशन, उनका पैसा या तो चेक में ले सकते हैं, या तो डिमांड ड्राफ्ट में ले सकते हैं, या तो एनी अदर फॉर्म में ले सकते हैं, बट नॉट इन कैश, कैश के अलावा और कोई भी फॉर्म में ले सकते हैं। दिस प्राइवेट प्लेसमेंट में राइट टू रेनाउंसिएशन नहीं दिया जाता है ऑप्शन, हम लोग ने पहले भी पढ़ा था व्हाट इज़ राइट टू रेनाउंसिएशन, मतलब मेरे बदले इस आदमी को दे दो, तो ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है। ओके, एंड द कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन अगर प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर इशू करने हैं। सो देर आर टू टाइप्स, टू वेज जिसमें प्राइवेट प्लेसमेंट अगर करना है तो फर्स्ट इज़ राइट इशू। तो राइट्स इशू क्या होता है ये तो हम लोग ने पेज नंबर 44 पे क्लियरली पढ़ ही चुके थे, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। सो वेन एवर कंपनी इशूज द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना, या तो जो कि होता है इक्विटी शेयर्स, या तो ऐसा कुछ सिक्योरिटी इन फ्यूचर जिसको हम लोग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में भी ऑप्शन आते हैं दैट इज़ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको आगे जाके हम लोग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिक्योरिटीज़ कंपनी इशू कर रही है वो भी डेट टू टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस, मतलब पहले बेसिस के प्रायोरिटी देकर, उसको कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, मतलब कोई सिलेक्टेड ग्रुप को ही अगर कुछ सिक्योरिटीज़ कंपनी बेच रही है उसको कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। जनरली प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज गिवन टू द प्रमोटर्स दैट इज द ओनर्स ऑफ द कंपनी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज और वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है ना। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसी कंपनी रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऐसे कंपनी होते हैं जिनके साथ एग्जिस्टिंग कंपनी को लगता है कि हाँ इनके साथ हम लोग का फ्यूचर में अच्छा बिजनेस हो सकता है। ओके, द शेयर्स जो भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्ड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जो भी शेयर्स इशू करते हैं दे आर द फुल्ली पेड अप शेयर्स। ओके, फुल्ली पेड रहते हैं कंपनी की तरफ से, और जो भी उनके कंसिडरेशन अगर कुछ भी पैसा लेना है तो कैश में ले सकते हैं, ठीक है ना। शेयर जो भी शेयर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में इशू करती है कंपनी दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। ओके, एन अप्रूवर ऑफ शेयर होल्डर्स इज रिक्वायर्ड इन फॉर्म ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन टू मेक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। कंपनी यूजुअली गो फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जनरली कंपनी हमेशा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए ही जाती है बिकॉज इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्स लेस पेपर वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटी, मतलब इसमें प्रोसीजर बहुत कम रहते हैं, इसके लिए जनरली सभी कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पे ही जाती है। सो एक छोटा सा बॉक्स दिया नीचे विच इज़ अ डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इन दोनों के डिफरेंस क्या है ये एक बार रीड कर लेना। ओके,